दोस्तों नमस्ते। मैं जानती हूँ कि आप सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है, है ना? और मैं ये भी जानती हूँ कि कभी आप पापा से, कभी मम्मी से, कभी दादाजी से, कभी नाना जी से, कभी दादी जी से, कभी नानी जी से सबसे कहानी सुनते हैं, है ना? पर आज हम कहानी सुनेंगे भैया जी से। पर हमारे भैया जी हैं बड़े निराले। कभी कहते हैं कहानी मैं शुरू करूंगा, पूरी तुम करो, और कभी कहते हैं आओ साथ साथ मिलकर कहानी पूरी करें। कहानी आधी अधूरी। ये मेरा चित्र पूरा हो गया। हाँ, कितने सुंदर है ये चित्र। चलो अब मैं इसमें रंग भरता हूँ। ये रंग का डिब्बा, ये रमन मुझे रंग दे दे। नहीं, मेरे को पापा ने दिए, तू खुद ले जाके। रमन मुझे कल देना है स्कूल में, तो जमा कराना है ना। रमन पापा ने हम दोनों को दिए थे। नहीं चल, मैं तुझे पेंसिल दूंगी, मुझे रंग वो दे दे, रंग दे दे। नहीं नहीं, अरे क्या हो रहा है, अरे क्यों लड़ रहे हो तुम आपस में है? देखो भैया, आपको रंग नहीं करने दे रहा। अरे बेटा, पापा ने मुझे दिए है भैया। पापा ने हम दोनों को दिए थे रमन। नहीं रमन, नहीं भैया। देखो मेरी बात सुनो रमन, एक काम करो, आज इसे दे दो क्योंकि इसे जमा करवाना है। ओफो, और दीदी को भी दिए। अच्छा ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनो, आज तुम इसे दे दो बेटा डब्बा, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, इसको जमा करवाना है ना। नहीं दूंगा। तो तुम इसे रंग नहीं दोगे? नहीं दूंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? पक्का आखिरी फैसला। तो ठीक है, लेकिन कहानी तो सुनोगे ना? हाँ, लेकिन रंग नहीं दूंगा और कहानी खुद पूरी करूंगा। बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो तुम कहानी सुनो और कहानी को उसे पूरा भी करो। हाँ, तो अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक था मोनू और एक था सोनू। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, एक था सोनू, उसका दोस्त था मोनू। तो सोनू मोनू बड़े पक्के दोस्त थे, आपस में खेलते थे, कूदते थे, खाते थे। अब सोनू एक बार गेंद लाया। अरे वाह वाह, तुम तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, तुमने बिल्कुल सही बात कही, सोनू एक नई गेंद लेकर आया, लेकिन उसने मोनू को नहीं दी। अरे वाह। अच्छा, पता है रमन को? हाँ, तेरी तरह ही था रमन, तेरी तरह था। अच्छा ठीक है, लड़ो मत लड़ो मत। जो सोनू गेंद लेकर आया तो उसने मोनू ने कहा भाई मुझे भी दिखाओ ना, मैं भी खेलूंगा, चलो मिलके खेलते हैं। लेकिन सोनू ने क्या कहा? सोनू ने कहा नहीं, ये मेरी गेंद है, मैं नहीं दूंगा, जाओ तुम अपनी गेंद खुद लेकर आओ, जैसे तुमने बोला था ना अभी, है ना? मैंने कब बोला था? उसने बोला। अच्छा, अभी कल देते उसने बोला था। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बात सुनो, अब लड़ाई मत करो, कहानी सुनो। ठीक है, तो मोनू उदास हो गया और सोनू उसको चढ़ा के कहने लगा मैं तो जाता हूँ मैदान में खूब खेलूंगा। और मोनू ने कहा भाई मुझे भी खिला दो, दोनों मैदान में चले गए। लेकिन सोनू ने उससे अपनी गेंद नहीं दी, यानी सोनू अपनी गेंद से खुद खेलने लगा और मोनू चुपचाप उदास बैठ गया। और सोनू उस गेंद से खूब खेला, ऊपर नीचे इधर उधर हर तरफ। लेकिन अचानक से क्या हुआ, गेंद झाड़ियों में चली गई। और वो झाड़ियां कैसी थी? कटीली। हाँ, कांटे वाली झाड़ियां थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सोनू ने जब देखा कि मेरी गेंद झाड़ियों में चली गई है, फिर सोनू भागा। हाँ सोनू भागा, तेजी से भागा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और पत्थर पे लगा, पत्थर पे गिर पड़ा, उसका घुटना छिल गया, उसमें से खून बहने लगा और वो रोने और लगा। तुरंत उठा और भागने लगा। जी हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन जब उसके दोस्त मोनू ने देखा कि उसका दोस्त सोनू गिरा पड़ा है, वो भाग के उसके पास गया। उसने कहा अरे 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 सोनू, ये क्या हुआ, तुम तो गिर गए, अरे तुम्हारे घुटने से खून भी आ रहा है, तुम घबराओ मत, तुम यहाँ बैठो। उसने उसे सहारा दिया और पेड़ के पास ले गया, वहां से बिठाया और इसके बाद वो अपने घर गया, भागा भागा गया घर की तरफ भागा। हाँ, और घर से क्या लेकर आया? दवाइयों का डिब्बा। दवाई का डिब्बा लेकर आया और दवाई का डब्बा लाने के बाद साफ पानी से उसकी उसकी चोट को पोंछा और उसके ऊपर दवाई लगाई और उसके ऊपर पट्टी बांध दी और उसे पानी पिलाया। तो मोनू ने कहा सोनू तुम बिल्कुल मत घबराओ, तुम यहाँ बैठो, ये लो पानी पियो और मैं तुम्हारी गेंद लेकर आता हूँ। अब वो भागा। अब उसने एक डंगे को उठाया और गेंद निकाली। हाँ, और सीधा आकर सोनू को दे दी। बिल्कुल सही, यानी उसने कटीली झाड़ी से बड़ी ही आराम से, बड़ी ध्यान से एक डंडा जो था, तुमने बिल्कुल सही कहा, वहाँ एक डंडा पड़ा हुआ था, उस डंडे से आराम से करके धीरे 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 गेंद को आगे करके निकाला, ताकि वो फटे ना। हाँ, ताकि उसके कपड़े ना फटे, उसे चोट ना लगे, और वो जाके उसने वो गेंद, ताकि गेंद ना फटे। हाँ, गेंद भी ना फटे और उससे भी चोट ना लगे, दोनों ही बातें। और उसके बाद वो जाकर, यानी मोनू ने जाकर वो गेंद बड़े प्यार से अपने दोस्त सोनू को दे दी। जानते हो रमन, सोनू की आंखों में उस वक्त आंसू थे, उसे देखकर बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या किया अपने दोस्त के साथ।
और पता है उसने कान पकड़कर अपने दोस्त मोनू से माफी मांगी और सोनू ने कहा, मुझे माफ कर दो मोनू, हम मुझसे बहुत भारी गलती हो गई थी, आगे से मैं कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। पता है मोनू ने सोनू को अपने गले से लगा लिया और कहा, नहीं दोस्त, हम वैसे ही दोस्त रहेंगे हमेशा और आपस में वैसे ही खेलेंगे कूदेंगे जैसे पहले खेलते थे, है ना? लो दीदी अब मेरा रंग का डिब्बा ले लो, लेकिन एक शर्त पे, मेरी पेंसिल खो गई, आप मुझे एक पेंसिल दे दो। अरे वाह रमन, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो, अपना रंग का डिब्बा भी दे रहे हो और आप भी कह रहे हो। लेकिन अब भी तो आप कह रहे हो, लेकिन एक शर्त पे दूंगा ये रंग का डिब्बा। क्या? मेरी पेंसिल खो गई है, आप मुझे दो पेंसिल दे दो। चलो मैं तुम्हें दो पेंसिल दे दूंगी। ये लो। हाँ ये लो। हाँ, मेरे को तो दो पेंसिल और मुझे तो रंग मिल गए कल के काम के लिए। शाबाश, तो इसका मतलब कहानी से तुम्हें सीख मिल गई। बहुत बढ़िया। कितनी अच्छी कहानी थी ना, मिलजुल कर हम काम करें। अरे मिलजुल कर हम काम करें, कितना अच्छा नाम है। सोचती हूँ इस कहानी का नाम दे दूँ, मिलजुल कर हम काम करें। आपको अच्छा लगा ये नाम? आप ही सोचिए कि इस कहानी का नाम और क्या हो सकता है। कहानी आधी अधूरी भाग 3। अभी आप सुन रहे थे उमंग बाल पत्रिका का ये अंश। कलाकार प्रवीण शर्मा और ऐशान। ध्वनियांकन बटिलांग लिंदो। आलेख वाचन निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन गीतिका उनियाल। प्रस्तुति CIET NCERT।